दो नाई है कान से। तो रामा गजब उठाए जैसे बनवा नाचे वो सावन का महीना पवन करे शोर दिया रजू में ऐसे जैसे बनवा नाचे ससिराज जी। ये टुकड़ा मैं केवल फरमाइश पर सुना रही हूँ, आप ये ना समझना कि मैं आपसे कोई सवाल कर रही हूँ। और क्या सही। तो मेरा गीत कह रहा है क्या 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 हमारी माता बहने बैठी हैं, भैया लोग भी बैठे हैं, कटपीस में केवल बात इतनी सी है क्या? अगर कोई माता बहन सामने से आ रही है तो हम लोग उसको देख कर ही समझ जाते हैं कि ये माता बहन शादी शुदा है या कुंवारी है, क्योंकि मांग में सिंदूर, पैरों में बिछिया, गले में मंगलसूत्र, ये सब देख करके अंदाजा लग जाता है कि शादी शुदा है। लेकिन अब एक समस्या खड़ी हो गई, सुने सुनिए। होंठो पे लाली और वाह, तो होंठो पे लाली और पैरों में महावर, मांग में हो से दुर्लाल जोड़ा सजा कर, मांग में सिंदूर लगा हो, लाल जोड़ा पहने हो, महावर लगाए हो, तो लोग कह देते कि आप शादी शुदा है। लेकिन लेकिन बिना पति के पत्नी का घर संसार क्या? अब सवाल ये है कि नारी का गहना लज्जा, नारी का गहना उसकी लज्जा होती है, तो नारी का गहना लज्जा, लेकिन भाई साहब पुरुष का श्रृंगार क्या? क्या बात, पुरुष का श्रृंगार क्या होता है? क्या होता है? पंक्ति सुनिएगा, सुनिए। बिना पति के पत्नी का घर संसार क्या? नारी का गहना लज्जा, पुरुष का श्रृंगार क्या? नारी का तो लज्जा गहना हो गया, लेकिन पुरुष का गहना क्या है? क्या है? एक सवाल और पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है? तो नारी का गहना लज्जा, पुरुष का श्रृंगार क्या? लेकिन कहना पड़ा क्या? तो मांग लगाए सिंदूर, मांग लगाए सिंदूर,
और चेहरे पे मुस्कान। अरे मांग लगाए सेंदूर और चेहरे पे मुस्कान। लेकिन अरे शादी शुदा पुरुष की आखिर क्या होती पहचान। तो शादी शुदा पुरुष की आखिर क्या होती पहचान। समस्या हल ना, तब से लेके आज तक ये समस्या चली आ रही है कि स्त्रियों को तो देख के बता दिया जाता है, लेकिन पुरुष को देखकर ये कैसे बताया जाए कि ये शादीशुदा है या कुंवारे है। तो हुई समस्या हल ना, ये सोच के मन हैरान। तो शादीशुदा पुरुष की आखिर क्या होती पहचान। तो शादी शुदा पुरुष की आखिर क्या होती पहचान। बोलिए जागेश्वर बाबा की जय हो, बोलिए आदिशक्ति मैया की जय हो, बहुत अच्छे दरबार की जय हो। रामा गज बूढ़ाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित जाए खिवैया। पुरवैया हाँ, पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर। जियरा रे ऐसे झूमे जैसे बनवा नाचे करती। गुरु तो आपने बदल लिया, लेकिन गाने नहीं बदले, ना बदल पाएंगे। राखी जी, होठों पे लाली और पांव में महावर, मांग में है सिंदूर लाल जोड़ा सजा कर। राखी जी, मांग लगाए सिंदूर कि मांग लगाए सिंदूर और चेहरे पे मुस्कान। शादी शुदा पुरुष की आखिर क्या होती पहचान। सिंदूर हमारे हिंदू धर्म की महिलाएं लगाती हैं। सोचो तो हिंदू मर्द की पहचान बता सकता हूं। और क्या राखी जी, प्रयास देखेगा बाकी समझो। ऊंची हो पूछे ऊंची हो पूछे तिलक भाल विद्यमान है। पुरुष का सिंगार पक्की मर्द की जुबान है। ये बात, ये बात, जय हो, जय हो। किसी पुराण में नहीं लिखा है, मस्तिष्क पुराण से आपको जवाब दे रहा हूँ। और क्या, ऊंची हो पूछे तिलक भाल विद्यमान है। पुरुष का सिंगार पक्की मर्द की जुबान है।
थोड़ा सा परेशान। शादी होने के बाद इतना भार आ जाता है सर पे, थोड़ा सा परेशान है दिखता पर कायम ईमान। छह लड़ी का जनेऊ, शादी के पहले जनेऊ तीन लड़ी का होता है और जब शादी होती है तो दुर्गा जनेऊ होता है, जनेऊ छह लड़ी का हो जाता है। थोड़ा सा परेशान है दिखता पर कायम ईमान। छह लड़े है लड़ी का जनेऊ, शादी सुदा की है पहचान। प्रयास रहा राखी जी,